हेलो फ्रेंड, तनुष्का ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आप सबको सिलाई सिखा रही हूँ। तो जिन सबको सिलाई सीखना है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछले वीडियो में मैं आपको नैपकिन की थ्योरी बताई थी और आज इस वीडियो में हम आपको नैपकिन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले मैं नैपकिन की मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई आधा मीटर कपड़ा लेना है, जिसकी लंबाई 16 इंच है, चौड़ाई 16 इंच है। देखिए इस तरह से ऐसे मोड़ के कटिंग होगा। तो मैं आपको फाइल के लिए छोटा सा कपड़ा में काट कर और सिलकर बताऊंगी। इसी तरह से बड़े पर भी सिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 6 इंच लेंगे। मैं आपको फाइल के लिए बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 6 इंच, चारों तरफ 6 इंच एक कपड़ा काट ली हूँ। देखिए इस तरह से 6 इंच चौड़ाई, 6 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई, चारों तरफ 6 इंच लेना है। और इस पाइपिंग के लिए इस तरह से तिरछा पट्टी 1.5 इंच की चौड़ाई में, ऐसे 1.5 इंच के 1.5 इंच चौड़ाई लेकर इस तरह से लाइनिंग लगा दिए हैं और इसको कट करेंगे। इसी तरह से 2-3 पट्टी निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से पट्टी काट लिए हैं। अब इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। मैं आपको हाथ पर ही सिलकर बता रही हूँ, आप चाहे तो मशीन से सिल सकते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड, ये नैपकिन का कपड़ा है और ये पाइपिंग लगाएंगे और ये चौड़ा पट्टी 3 इंच काट लिए हैं और 1.5 इंच चौड़ाई और ये दो कपड़ा फुदना लगाने के लिए काट लिए हैं। तो चलिए सिलकर आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड, कपड़े को यहाँ से पकड़ कर इस तरह से मोड़ देना है। आप चाहे तो पहले सिलाई लगा लीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से इधर इतना डोरी के लिए कपड़ा छोड़ देंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से सिलाई
करेंगे इस तरफ से ऐसे, अगर आप चाहे तो इसमें अंदर फॉर्म देकर भी सिल सकते हैं, मैं ऐसे ही सिल रही हूँ। एक बिना पाइपिंग का ही ऐसे ही सिंपल सा सिलाता है, वो ही मैं आपको बताऊंगी। देखिए फिर इस तरह से इधर सिला गया है, अब इसको से मोड़ कर इस तरह से, पाइपिंग लगा देंगे। इस तरह से पूरे में डोरी सिला जाएगा। इस तरह से इसी तरह से फ्रेंड इधर भी थोड़ा सा इधर यहाँ से छोड़कर ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड इस तरफ सिल लिए हैं, अब ऐसे इसको करके सबसे पहले ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे करके इस तरह से ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ऐसे करके देखिए फ्रेंड इस तरह से क्या है, अब ये जो कपड़ा लिए थे उसको ऐसे करके पहले सिल लेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके उसको सिल लेंगे,
करो। देखो फिर इस तरह से अब इसको ऐसे मोड़ कर ऐसे करके यहाँ पे मशीन चला देना है। अब हम इसमें लटकन लगाएंगे इस तरह। देखिए चक्कूट कपड़ा लेकर इसको ऐसे मोड़ कर ऐसे रख कर सिलाई लगा देना है। कि इस तरह से सिलने के बाद अब इसको पलट देंगे। देखिए इस तरह से इसको बचे कपड़े को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से पुदना, चाहे तो आप बड़ा भी लगा सकते हैं, बस हम ऐसे ही बताने के लिए आपको। इधर भी इस तरह से ऐसे कट करके सिल देंगे। देखिए इस तरह से इधर बचे हुए कपड़े को कट कर देंगे। इसको लट देंगे से। देखिए इस तरह से हमारा बेबी नैपकिन बनके तैयार है। और बांधने के लिए तो आप पता ही होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आपको फाइल के लिए बताई हूँ। इसी तरह से बड़ा वाला भी सिलाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।